नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फोटोशॉप में आप किस तरीके से वन क्लिक पे आप पासपोर्ट साइज कैसे फोटो बना सकते हैं और साथ में आपको इसका जो एक्शन फाइल है आपको प्रोवाइड भी हम कराएंगे टेलीग्राम चैनल पे। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी आपके फाइलें होंगे आपको वहां टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको एक्शन फाइल बनाना सिखाएंगे और बहुत ही बेस्ट तरीका बताएंगे, आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो आपको एक्शन फाइल बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको पहले दिखाते हैं एक ट्रायल। तो सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं, उसके बाद एक्शन फाइल को लोड करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, एक फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं और एक इमेज को यहाँ पे लाते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक फोटो, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, या दोस्तों मान लीजिए एक यहाँ पे फोटो है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फोटो आ गया है। अब इस पे हम एक्शन फाइल को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक्शन फाइल अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्शन को हम लोड यहाँ पे पहले से बनाकर रखे हैं, लेकिन हम आपको दोस्तों नया एक्शन फाइल बनाकर दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए हम इसको फाइल को ओपन करते हैं और जो प्ले लिखा है इस पे हम क्लिक करके, जैसे यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो साइज सेट करने के, तो हम स्टॉप करेंगे और इसकी साइज इस तरीके से कुछ मेंशन कर देंगे। बस इतना करने के बाद जैसे दोस्तों हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए हमारा अर्जेंट फोटो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा फोटो रेडी हो चुका है और बहुत ही बेस्ट तरीके से। इसको दोस्तों अगर हम जूम कर आपको दिखाएं तो कितना परफेक्ट तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो है अच्छे से यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। तो इसी का आज हम एक्शन फाइल आपको बतानेंगे। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस ये जो हमारा इमेज है इसको पहले यहाँ से हम कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक्शन फाइल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें एक इमेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम फाइल में जाकर यहाँ से कोई एक अच्छा सा इमेज रख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फोटो जो है इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे दोस्तों फोटो हैं। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों एक फोटो है, जैसा कि देख सकते हैं इसको हम ओपन करते हैं और ये जो फोटो इसी को हम दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो को क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फोटो लेने के बाद आपको सबसे पहले आपको एक्शन फाइल को बनाना होगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको सीधे चले जाना है जो आपका विंडो होता है। विंडो में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्शन का आ जाएगा। अगर दोस्तों आपने जितने पहले से एक्शन फाइल बनाए तो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, लेकिन आपको नया हम बनाएंगे तो नया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है आपका क्रिएट, एक तरीके से यहाँ पे फोल्डर जैसा बना, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है तो आप इसमें अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं अर्जेंट डब्ल्यू इस तरीके से, उसके बाद ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फोल्डर क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर जो एक्शन फाइल होती है उसको बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक फाइल का जैसा बना इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है एक्शन। अब यहाँ पे आप नेम टाइप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे नेम टाइप करते हैं प्ले इट। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इंडिकेट करने लगेगा ये रिकॉर्डिंग चालू होगी। इसको दोस्तों आप यहाँ से पहले मिनिमाइज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक एक स्टेप को ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो आपका इमेज है इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद दोस्तों इसको हमें करना है कॉपी, तो एडिट में जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अब हमें कॉपी करने के बाद दोस्तों एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, तो जिसके लिए हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो साइज हम मेंशन कर रहे हैं आपको सेम वही साइज को मेंशन करना है, तो पिक्सल के जगह आप ले लीजिए मिलीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो मिलीमीटर हम यहाँ पे रखेंगे सेम आपको रखना है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 35 एंड यहाँ पे 45। उसके बाद दोस्तों जो आपका रेजुलेशन रहेगा वो दोस्तों रहेगा 300। बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट रखना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे जो अभी हमने कॉपी फोटो किया था उसको यहाँ पे हमें कर देना है पेस्ट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए आपको एडिट में जाना है
और दोस्तों यहाँ पे सीधे आ जाना है, जो आपका पेस्ट है इस पे क्लिक कर देना है, तो आपका दोस्तों फोटो आ जाएगा। अब दोस्तों ये फोटो को हमें करना है रिसाइज। तो रिसाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे कि कोई भी फोटो पहले यहाँ पे रिसाइज हो, यानी इसको सही साइज होगी इसकी सेट किया जाएगा उसके बाद। तो हम स्टॉप करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्शन फाइल है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए 4 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको पैनल ओपन होगा। इसमें एक ऑप्शन होगा इंसर्ट स्टॉप, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करना है कि हम क्या करते हैं कि मैसेज टाइप कर देते हैं रिसाइज स्टॉप, इस तरीके से कि यहाँ पे आपको इसका साइज जो है सही करना होगा। देन उसके बाद आपको अलाउ कंटिन्यू पे क्लिक कर और ओके पे कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ये जो इमेज है इसको सेट करना है। तो हम थोड़ा सा इसको फिर से एक बार यहाँ पे हटा देते हैं कि हमारे प्रॉपर तरीके से स्पेस मिलेगा। अब दोस्तों हमें जाना है यहाँ पे एडिट में और यहाँ पे देखिए आपको लिखेगा फिल ट्रांसफॉर्म, इस पे बस आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो फिल ट्रांसफॉर्म जो आपका साइज होगा सेट करने का आ जाएगा। तो आपको जितना इमेज की साइज चाहिए आप इस तरीके से आप बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पे इसकी साइज को बना लेंगे, बस यहाँ पे जो यहाँ पे आपका सही कर रहता है यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे इजी तरीके से सेट हो जाएगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि लेयर वाले ऑप्शन में आना है और ये जो आपका बैकग्राउंड हो इसको करना है फ्लैटन। तो हम बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैटन, इस पे क्लिक कर देना है फ्लैटन इमेज, तो आपका इमेज जो होगा ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें लगाना है थोड़ा सा स्ट्रोक, जो कि आपके देखे होंगे फोटो वगैरह में साइड में स्ट्रोक लगा रहता है ब्लैक या जो भी कलर है। तो हम क्या करेंगे स्ट्रोक लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल इमेज करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों इसी में हम सेलेक्ट में जाएंगे मॉडिफाई एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे दोस्तों आपको रखना है 10 पिक्सल्स एंड अप्लाई इफेक्ट द कैनवास वॉन्ट पे ओके कर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा सेम फिर से आपको सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवर्स, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे इनवर्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे हमें एक न्यू ब्लैंक लेयर लेना होगा, जिसके लिए यहाँ पे आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया लेयर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे नया लेयर लेने के बाद आपको इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसका कलर आपको व्हाइट रखना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा एडिट में एंड यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे दोस्तों जैसा सेटिंग है सेम आपको यही सेटिंग रखना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट में जाकर डी सेलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों डी सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस लेयर पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे डबल क्लिक लेयर पे करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पे लेयर स्टाइल है यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम लगाने वाले स्ट्रोक, तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रोक पहला दिखा रहा है इस पे आपको बस क्लिक कर यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसा सेटिंग दिखा रहा है सेम रहना चाहिए, यानी साइज में आप 2 पिक्सल रखिए और पोजीशन में आपको रखना है आउटसाइड, ऑपसिटी में आप 52 या 50 कर सकते हैं, कलर में आपको ध्यान देना है कि आपका ब्लैक रहना चाहिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको कर देना है ओके। अब दोस्तों ओके करने के बाद आपको इसको फिर से एक बार फ्लैटन करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे एंड फिर से फ्लैटन इमेज पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है ध्यान से समझना होगा। अब यहाँ पे आपको हम लेयर जो नेक्स्ट लेयर है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जो हमारे पास एक्शन है वो रेडी है, चल रहा है, आपको दिखा भी देते हैं जैसा कि इसको लेयर को हटाकर, ये देखिए अभी एक्शन फाइल हमारी चल रही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड आता है आपका जो नया डॉक्यूमेंट पे छोटे छोटे पासपोर्ट जैसा क्रिएट होगा उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि आपको इस इमेज को करना होगा सेलेक्ट एंड इसको कर लेना है कॉपी। अब दोस्तों कॉपी करने के बाद आपको फाइल में जाना है न्यू डॉक्यूमेंट में एंड यहाँ पे आपको जो हम साइज रखेंगे सेम आपको रखना है। तो यहाँ पे हम आपको रखते हैं 3304 और उसके बाद यहाँ पे जो हाइट रखेंगे दोस्तों वो होगा 2001 उसके बाद 24।
उसके बाद यहाँ पे रेजुलेशन में 300 एंड ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको अब ध्यान देना है कि यहाँ पे उस फोटो को हमें करना है पेस्ट, तो हम जाएंगे एडिट में एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। दोस्तों वीडियो थोड़ा से लॉन्ग हो रही है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार बना लेंगे तो आपको हमेशा काम आएगी। अब जैसे आपका इमेज आएगा तो इसको आपको दोस्तों एडजस्ट कर देना है, जैसे कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं कंट्रोल प्लस बटन दबाकर और कंट्रोल जीरो दबाकर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी इमेज आ गई है। अब जितना बार हमें यहाँ पे पेस्ट करना आप कर सकते हैं कि जब तक ये भर न जाए, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे, फिर से इसको भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल प्लस वी, यानी इस तरीके से आपको दोस्तों जितने ये जब तक ये भर न जाए आपको कंट्रोल प्लस वी करते रहना है और इस तरीके से आपको एडजस्ट करते रहना है। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमारा फाइल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट होता चला जा रहा है और यहाँ पे हमारा हुआ ये लास्ट वाला। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको फिर से लेयर में आना है, इस लेयर को आपको करना है ग्रुप, जिसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के लेयर वन पे क्लिक कर देना है और राइट क्लिक कर आपको मर्ज लेयर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे लेयर पे क्लिक करेंगे अब इसका हमें बनाना है डुप्लीकेट, तो इसको आपको पकड़ कर ड्रैग कर देना है न्यू वाले फाइल पे, तो आपका ये जो होगा ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हम इस तरीके से करेंगे तो देखिए डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद दोस्तों ये जो लेयर 8 दिखा रहा है इसको आपको कर देना है ऊपर और इस लेयर को आपको डुप्लीकेट करते हुए चले आना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लेयर डुप्लीकेट हो रहा है, उसी तरीके से आपको फिर से अगेन इसी तरीके से जितना चाहे आप उतनी बार इसको आप डुप्लीकेट कर लीजिए। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको ध्यान देना है क्या करना है, सबसे पहले ये जितने आपने ओपन किया उन सबको यहाँ पे क्लोज कर देना है, यानी ये ओल्ड वाला है जो इसको आपको ओपन करना है, इसको आपको यहाँ पे कट कर देना है एंड आपका जो ये वाला लेयर है इसको रखना है एंड इस वाले को ओपन कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको लेयर को क्लोज कर देना है एंड यहाँ पे आकर जो आपकी एक्शन फाइल है इसको कर देना है यहाँ से स्टॉप। अब ये आपका जो लेयर है बिल्कुल इजी तरीके से एक्शन फाइल रेडी हो गई है और यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। अब ये दोस्तों हमारी एक्शन फाइल कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इस एक्शन फाइल का हम यूज कर देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ओपन पे एक फोटो लेंगे और ओपन पे फोटो लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई सा भी एक फोटो आप ले सकते हैं, जो भी आप फोटो इसके अंदर रखना चाहते हैं। मान लीजिए दोस्तों इस लड़की का हमें लेना है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे फोटो आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे फोटो लेने के बाद आपको सीधे आ जाना है एक्शन वाले फाइल में और ये जो अर्जेंट फोटो इस पे क्लिक करना है और प्ले इट पे आपको सिलेक्ट कर जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा इसको रिसाइज करना है, तो स्टॉप पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज इस तरीके से कर लीजिए। ज्यादा फोटो बड़ा है तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ से इसको छोटा आप कर सकते हैं एडिट में जाकर और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर आप इसको छोटा इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या इसको आप लॉक लगा देंगे तो ये परफेक्ट तरीके से साइज में सेट हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है एंड जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे अब देखिए आपका जो पासपोर्ट साइज होगा बिल्कुल इजी तरीके से दोस्तों बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए एक्शन फाइल ऑटोमेटिक चल रही है, हमें कुछ नहीं करना है बस हमें इतना करने के बाद। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटो है बिल्कुल इजी तरीके से रेडी हो गया। इसको हम जूम कर भी देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा हो गया है और कितना अच्छा दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप अर्जेंट में पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं, साथ में एक्शन फाइल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट हमने वीडियो बनाया है देखकर। तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि इसका जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका अच्छे से बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।